subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. और आज एसएमई कॉर्नर पे हमारे साथ वापस एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं. हालांकि बात तो नतीजों पे करूंगा, लेकिन क्योंकि पहली बार बातचीत हो रही है तो थोड़ा धंधा पानी समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स पाएंगे. रडार पे आज है 1.1 सॉल्यूशंस नाम की कंपनी और इसके होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर आकाश आनंद कर्णिक साहब मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं. आकाश जी, स्वागत है आपका. जैसे मैं कह रहा था, पहली बार बात हो रही है फाइनेंशियल्स में, उससे पहले 1.1 सॉल्यूशंस मैं पढ़ा था, एक बीपीओ कंपनी है. पहले तो समझाएं आसान शब्दों में हम सबको, करती क्या है, क्या धंधा है. जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, जैसे हम लोग कहते हैं आज आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आज आपने बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आज आपका फोन का बिल नहीं हो रहा है, जितने भी लार्ज रिटेल सेक्टर्स चल रहे हैं आज पे, एंड वेर एवर यू वांट टू गो एंड स्पीक टू समबडी, आप वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करते हैं जो इंडिया में बेस्ड है, चाहे आपको कैब बुलानी हो, चाहे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट. ये सब इन कंपनीज का आउटसोर्स धंधा है, सारा आउटसोर्स बिजनेस हम लोग मैनेज करते हैं. वी रफली रन अबाउट 35 लार्ज कंपनीज, वी आर प्रेजेंट इन ई कॉमर्स, डायरेक्ट टू होम. आज मोस्ट ऑफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस चैनल थ्रू वेरियस ऑफ योर पार्टनर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक 80% ऑफ द मार्केट शेयर इज हेल्ड बैक विद अस. So if you are not getting this channel and you are having a problem, you have to call up and we will be representing those organizations to give the services. आवाज में कोई भी दिक्कत है, आपके घर पे नहीं आ रहा हो तो आप इनको, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाना सर. अच्छा, तो BPOs के लिए आमतौर पे फिर ये जानना जरूरी होता है डिलीवरी सेंटर्स कितने हैं, कितनी सीट कैपेसिटी है आपकी, क्या क्षमता है. वी आर हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस, वी आर प्रेजेंट इन बॉम्बे विच इज बेसिकली आवर हेड ऑफिस विच इज बेस्ड आउट ऑफ नवी मुंबई. बगा जी, थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन जितना हिंदी में बोलेंगे ना उतना मुझे और मेरे साथ मेरे दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा, तो हम आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कोशिश काफी, इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी आपकी, जरूरत भी नहीं है, बस समझ में आया. हाँ बस, तो हमारे पास 4-5 डिलीवरी सेंटर है. एक हमारी बॉम्बे में है, नवी मुंबई में हम जिससे रन करते हैं, 2 डिलीवरी सेंटर्स गुड़गांव में है, एक साउथ में बैंगलोर में है, और एक हम मध्य प्रदेश में इंदौर में हम लोग डिलीवरी सेंटर्स है. ये हमारा नेशनल फुटप्रिंट है. अच्छा, अभी सपोर्ट हम कितने सीट्स टोटल होंगी तकरीबन हमारे पास आज के डेट में, 4000 सीट्स हमारे पास का बिजनेस है, 4000 इंफ्रा सीट्स है. सो आप उसका फिर मल्टीप्लाई करिए, एक शिफ्ट में तो आदमी 8 घंटा काम करता है, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट. तो फिर कौन क्लाइंट्स हैं जिनको आप सर्विस करते हो, और छोटी कंपनीज के साथ, क्योंकि हम एसएमईज की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी क्या सबके साथ कंसर्न है, टॉप क्लाइंट का रेवेन्यू मिक्स, टॉप 5 क्लाइंट्स का कंसंट्रेशन रिस्क आपके केस में कैसा है? बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग ने बिजनेस जो हमने किया हुआ है वो इक्वली स्प्रेड है, 5 सेक्टर्स है, एवरीथिंग इज इन द रेंज ऑफ अबाउट 15-20%, 20-22%, सो वेल डाइवर्सिफाइड बेस है, इट्स नॉट इन क्लाइंट किसी एक कस्टमर या किसी एक वर्टिकल के ऊपर हमारे पास हैवी फोकस नहीं है. और टॉप अंदाजन कौन से क्लाइंट्स हैं, और ये सब डोमेस्टिक मार्केट्स से रेवेन्यूज आते हैं या फिर बाहर भी कुछ? सारे डोमेस्टिक मार्केट्स के हैं. कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा बट ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैं कस्टमर के नाम नहीं ले पाऊंगा ऑन दैट. ठीक है, कोई इशू नहीं. तो लार्जली ये जो कॉल सेंटर ऑपरेशंस हैं उनको आप मैनेज करने का काम करते हो 1.1 में, तो इन सम कंपनीज ये सब आउटसोर्स करती हैं, उसका आप फायदा उठाते हो. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आमतौर पर बीपीओस के साथ क्या होता है, जब मैं स्टडी करता था बीपीओस की, तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता था उनके मार्जिन बहुत अच्छे होते थे, डोमेस्टिक में कहा जाता था वेफर थिन मार्जिन हैं, और आपके केस में तो 18-20% के आसपास लोग आप मार्जिन क्लॉक करते हो, ये कैसे हो रहा है? काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा, बट हम लोगों ने लास्ट ईयर टू दिस ईयर हमारे मार्जिन थोड़े बेटर हुए हैं, दो रीजन, 300 बेसिस पॉइंट्स हमारा बढ़ा है, और उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉय एफिशिएंसीज जो काम करते हैं उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है. सेकेंडली, जो हमारे पार्टनर्स है, कस्टमर्स है, उन्होंने हमारे इतने सर्विसेज में वैल्यू देखी दैट वीव गॉट अ बेटर प्राइस पॉइंट, एक हमको बेटर रेवेन्यू मिला है. दिक्कत डोमेस्टिक मार्केट में थी कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है, छोटी छोटी कंपनी, छोटे छोटे बीपीओ सेटअप्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी ऑफ लेट रिड्यूस हो रही है, इसीलिए आप लोग बेहतर मार्जिन कमा पा रहे हैं, क्योंकि 20% के मार्जिन क्या वाकई सस्टेनेबल है स्पेस में डोमेस्टिक बिजनेस में? आई वुड से कि हम लोगों की कॉम्पिटिशन, हम लोग ने हमारी तरफ, वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ्स टू ग्रो बेटर देन द कॉम्पिटिशन. आज आप मार्केट में देखेंगे इस तरह से कि आज एवरी कस्टमर को अलग अलग चैनल से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, आज आपको ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हो, आज आप उनके एप्लीकेशन जो आपका फ़ोन बेस्ड ऐप से कम्युनिकेट करते हो या वॉइस में कम्युनिकेट करते हो, हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस है जिसमें आपके सारे इंटरेक्शंस एक चैनल पे आ जाते हैं, एक टाइम पे आ जाते हैं. तो अगर आशीष ने मुझे कॉल किया है तो मैं कहूँगा आशीष जी आपने मुझे कल एक ईमेल भी भेजा था और आज आप मुझे कॉल कर रहे हो, इससे मैं आपका जो एंग्जाइटी है मैं उसकी एंग्जाइटी को पहले रोक देता हूँ. द डिफरेंस इज नॉट इन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस बट इज मैनेजिंग योर बिहेवियरल पैटर्न वेल. आई थिंक उससे हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, हमारे कस्टमर्स की बिलीफ बढ़ रही है.
दे आर वो अपने कस्टमर्स को होल्ड बैक कर रहे हैं और हम लोग को बेटर प्राइस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं विद आर कॉम्पिटिशन. तो 4000 सीट का अंदाजन आपके अभी जो कैपेसिटीज हैं, इस समय डिमांड एनवायरमेंट कैसी शेप अप हो रही है और क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स पे आप काम कर रहे होंगे? हम लोग तकरीबन अभी 80% यूटिलाइजेशन पे हम लोग हैं. ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट ही होगी मेरे ख्याल से स्पेस में. वी आर इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है तो हमेशा हमेशा बफर रखना ही पड़ेगा. वी कैन नॉट से कि हम लोग फुल बेंच स्ट्रेंथ. बेंच स्ट्रेंथ तो नहीं होती, बेंच इंफ्रा कैपेसिटी होती है. स्ट्रेंथ हम लोग बेंच नहीं रखते ठीक है, क्योंकि हमारी लार्जेस्ट कॉस्ट जो होती है वेजेस की कॉस्ट होती है. ओके, इंफ्रा लगती है हमको. अच्छा, दिसंबर 2017 पिछले साल आप लिस्ट हुए थे, तब आपने 44 करोड़ रुपए के आसपास उठाए थे बाजार से, और उठाने की वजह थी लोन्स को रीपे करना और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. Absolutely. इस समय क्या हाल है बैलेंस शीट का सर? बैलेंस शीट इज मच बेटर. लोन्स तो हमने सारे रीपे कर दिए. तो लॉन्ग टर्म के लिए आपसे डेट फ्री एंटिटी है? एब्सोल्युटली डेट फ्री है. ओके, वी डोंट हैव लोन्स बैक ऑन आवर बैलेंस शीट टुडे. अच्छा अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई गई थी कि प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक, बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, HSBC फंड का 5-5.5% हिस्सा, येस बैंक का 5.5% हिस्सा, ये क्या आईपीओ के समय इन लोगों ने निवेश करा आपकी कंपनी में या पहले का कोई निवेश चल रहा है? नहीं, ये आईपीओ के टाइम पे. आईपीओ के टाइम पे. जाते जाते एक और सवाल, FY18 और FY17 आय में 26% और मुनाफे में 44% का उछाल देखने को मिला है. 2019 का आउटलुक क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट करूँ इस तरह की ग्रोथ मोमेंटम सस्टेनेबल है? यस, हम लोग कोशिश रहेगी इस तरह का रहेगा हमारा ग्रोथ. वी वुड वांट टू डू सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ इन द कमिंग ईयर. 20-25% के आसपास की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शायद लाइकली मेंटेन हो. यस, वी शुड बी एबल टू मेंटेन. ओके आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए. मजा आपसे बात करके सर. थैंक यू. और ऐसे ही कॉर्नर में और इनफैक्ट आज के लिए न्यू ईयर कंपनी में भी इतना ही. नमस्कार.